अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सईदा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हमारे इस वीक के सब्सक्राइबर्स हैं मिशाल खान एंड हानिया सुहेब, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आप लोगों को भी इसी तरह शाउट आउट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में डन लिखिए ताकि अगली बार आपको भी शाउट आउट दे सकूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और हेल्दी किस्म का स्टीम्ड मिक्स वेजिटेबल, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्रोकली, एक टमाटर, एक प्याज, नींबू, एक ग्रीन चिली और दो पोटैटोज़। ये एक पर्सन के लिए है। इसके अलावा मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर और नमक और रेड चिली फ्लेक्स। सबसे पहले मैं ब्रोकली काटूँगी, इसके फूलों को हम अलग अलग करके काटेंगे। इसके अलावा जो आलू हैं, प्याज हैं, उनके हम स्लाइसेस करके काटेंगे। इस रेसिपी में ऑयल ना होने के बराबर लगता है क्योंकि ये रेसिपी हमने ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाई है जो कि मीठी चीज़ें नहीं खा सकते, बीफ़ नहीं खा सकते, तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सबके लिए अच्छा होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम हर दिन चिकन और यही चीज़ें खा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा स्टीम्ड खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। हर किस्म की चीज़ हमें खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी चीज़ें बनाई हैं, हम एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं और वही खाते रहते हैं, तो हमें डिफरेंट चीज़ें खानी चाहिए। अच्छा, ये सारी हमने अभी वेजिटेबल्स काट ली हैं। ये मैंने मिट्टी के बर्तन को सिर्फ ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, ऑयल डाला हुआ नहीं है। अब हम इसमें सबसे पहले पोटैटोस की तह लगाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ब्रोकली रखूंगी। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। मेरे पास कुछ आलू की स्लाइसेस और हैं तो मैं उस पर ऊपर रखूँगी। आखिर में हम इस पर टमाटर ऊपर उसकी तह लगाते हैं। टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज करते हैं, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। अब मैं इसे इस पर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी। और इसे ढक लूँगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे बीच बीच में अंदाजे से हम चेक करते जाएंगे। तकरीबन 25 मिनट्स बाद ये हो जाता है। आप देखेंगे इसमें जो टमाटोज होते हैं वो पूरी तरह से गल जाते हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल फ्रेटी है। अब हम इसे उतारेंगे और इसी डिश में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का होता है क्योंकि हमने इसमें स्पाइसेस भी डाले हैं और इसके अलावा इसमें कोई आपके पास हैवी या फैटी चीज़ है भी नहीं, तो
बहुत टेस्टी होता है, आप एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ वेजिटेबल्स है, लोग कहेंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।